एवरीवन, आई एम सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये आ गया है यस एचआर कोर्स मॉड्यूल 2 सेशन 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं हम रिक्रूटमेंट पे। ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने किया था पहले क्या, तो चलिए एक छोटा सा रीकैप चेक कर लेते हैं। रीकैप में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में हमने देखे 2 सेशंस, जिसमें सेशन 1 में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू HRM, जिसमें हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और कंबाइंड में HRM क्या है। उसके बाद हमने देखा वहीं पे ही पर्पस ऑफ HRM क्या है, एक्चुअल में HRM का पर्पस। उसके बाद आ गया मॉड्यूल 1 में सेशन 2, जिसमें हमने देखे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ HRM, कहां से लेके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से लेके स्ट्रेटेजिक HR तक, बट बहुत ही ब्रीफली। अब यही की एलिमेंट्स के स्पेशल मॉड्यूल्स चल रहे हैं। स्पेसिफिक मॉड्यूल में हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हर एक बेसिक एलिमेंट को, तो वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ओके, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमने यहां से स्टार्ट करा। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या है, यहां पे हम एक प्रॉपर प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कहां से कहां तक देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी, यस, फिर हमने देखा जॉब एनालिसिस, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा सोर्सिंग कैंडिडेट्स। अब हम आज देखने वाले हैं इनिशियल स्क्रीनिंग, देन इंटरव्यूइंग, असेसमेंट, सिलेक्शन डिसीजन एंड जॉब ऑफर। ये सारी चीज सीक्वेंस में चलेगी एक प्रॉपर प्रोसेस में। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं प्रोसेस के बारे में, तो यही सारा प्रोसेस है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे ये जो सेशंस हैं ये कम्प्लीटली इंग्लिश में भी हैं, HR कोर्स इन इंग्लिश, वो आपको पिन कमेंट से मिल जाएगा। इसके साथ बहुत सारी वर्कशॉप्स चल रही हैं, जो कि 15 डेज HR वर्कशॉप आई थी, उसके बाद 10 डेज रिक्रूटर वर्कशॉप, देन 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप और 12 डेज पेरोल वर्कशॉप। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप और पेरोल वर्कशॉप अभी चल रही है, उसमें सेशंस आएंगे। प्लीज थोड़ा सा वेट करें क्योंकि आप बहुत डेस्परेट हैं कि कब आएंगे। मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूं कि बहुत सारे लोगों तक वो वर्कशॉप्स रीच हो पाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं, एंड वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दें, जिससे कि आपको ये सेशंस मिल सके। एंड प्लीज पिंड कमेंट से ये सेशंस चेक करते जाएं, बिकॉज अदरवाइज वही होगा। क्या होता है, ये होता है कि जब भी मैं आगे बढ़ जाती हूँ आप वही पुरानी क्वेरीज दोबारा दोबारा मुझसे पूछते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए वो सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करना। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग में क्या क्या है। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, देखिए हमने बहुत सारे रिज्यूमेज रखे हुए हैं मेरे पास, मैंने सोर्स कर लिया अलग अलग तरह से, जगह जगह से, जो हमने देखा था सेशन 3 में, लास्ट सेशन में, प्लीज उसे जरूर देख लें कि हमने सोर्स कैसे कराया डेटा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू सोर्सिंग, जबकि मैं सोर्सिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिससे प्रूव होता है कि आप सेशंस पूरे नहीं देखते हो। मैं माइन्यूट चीजें बहुत सारी डिस्कस करती हूँ कि एक्सटर्नल हायरिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, इंटरनल हायरिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे आप ये चीजें कर सकते हो, स्टिल क्वेरीज आ रही हैं सेम टाइप की। ओके, सो प्लीज थोड़ा सा देखें कि पूरा सेशन कंप्लीटली प्रॉपरली देखें और फिर उसके बाद आप अपनी क्वेरीज, यस बिल्कुल, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनिंग क्या है, देखिए स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं जॉब एप्लीकेशंस, हमारे रेज्यूमेस और कवर लेटर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कंप्लीटली, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए सूटेबल कैंडिडेट्स एक जॉब पोजीशन के लिए। ये एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप है जो हेल्प करता है HRs को, रिक्रूटर्स को, हायरिंग मैनेजर्स को शॉर्टलिस्ट करने में कैंडिडेट्स जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं रोल के लिए। ठीक है, और गोल हमारा क्या है, यस क्या है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है उसको नैरो डाउन करने का, ये जो पूल ऑफ एप्लीकेंट्स है मेरे पास उसे मैं कम कर पाऊं देखकर। जैसे मेरे पास 5000 का डेटा है, तो वो 5000 का डेटा बहुत सारा है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है, तो इंश्योर करना कि कैंडिडेट्स जो कि नेक्स्ट स्टेजेस पे आ रहे हैं हायरिंग प्रोसेस पे वो मोस्ट क्वालिफाइड और रेलिवेंट हो जॉब के लिए, ये मेरा बेसिकली मेन पर्पस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे इफेक्टिवली स्क्रीन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। और यस, चलो आप हमेशा कहते हो ना सेम सी चीजें मैं बार बार डिस्कस करती हूँ, तो चलिए एग्जांपल के साथ इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है क्लियर क्राइटेरिया। तो क्या मतलब है इसका, एस्टेब्लिश करना क्लियर क्राइटेरिया, इसका क्या मतलब है, मतलब कि मुझे एक जगह क्राइटेरिया नोट करना है कि मुझे एक्चुअल में कैंडिडेट में क्या चाहिए। ठीक है, मैंने एक अलग से देख लिया, लिख लिया पहले कि मुझे कैंडिडेट में क्या चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम हायर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो क्लियर क्राइटेरिया क्या होगा, अगर मुझे चाहिए डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैंने सेट कर लिया यार डिग्री जरूरी है कंप्यूटर साइंस में, फिर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में,
और क्या चीज, मिनिमम 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये मैं खुद से सेट कर रही हूँ. मतलब यस ऑब्वियसली आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है. तो ये मैंने एक जगह नोट कर लिया. डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का यही है आपके की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो काम आपको चाहिए, कितने एक्सपीरियंस पर्सन से चाहिए, वो रहेगा. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है. नेक्स्ट है रिव्यू रेज्यूमेज एंड एप्लीकेशंस. यस, अब हमें क्या करना है, अब हम देखना शुरू करेंगे. मेरे पास एक बार क्राइटेरिया लिख गया, मैंने लिख के नोट कर लिया, बस इसको नोट कर लीजिए जब आप स्क्रीन करने बैठे हैं. तो रिव्यू करिए रेज्यूमेज एंड एप्लीकेशंस. आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो की क्वालिफिकेशंस हैं जो मैंने लिखी थी कि डिग्री मुझे चाहिए, सर्टिफिकेशंस मुझे ये चाहिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे ये चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स एंड अचीवमेंट्स ये होने चाहिए, वो आपको चेक करने होंगे यहाँ पे. चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें. जैसे कि अगर आप हायर कर रहे हो मार्केटिंग मैनेजर, तो कैंडिडेट का जो सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स उसने कितने किए हैं, ये उसकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, वो भी हाईलाइटेड होंगी. तो ये सब चीजें आपको चेक करनी होंगी उसमें, ठीक है, जब हम रिव्यू कर रहे हैं क्या एप्लीकेशंस. फाइन, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस. अब ये क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यहाँ पे इंक्लूड करिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन द एप्लीकेशन प्रोसेस. कैसे कि जैसे कि कंटेंट राइटिंग की पोजीशन आ गई, तो एप्लीकेंट से पूछिए, क्या पूछेंगे कि वो सैंपल राइट करें. भाई कंटेंट राइटिंग का पोजीशन है ना, तो सामने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कंटेंट राइटिंग आप कुछ लिख के तो बताओ. वो डिस्क्राइब करें अपनी अप्रोच, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, बिकॉज कंटेंट राइटिंग में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट अच्छा लिख भी पाते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप ट्रैप भी हो पाते हैं या नहीं, ठीक है. और बहुत सारे एरियाज रहेंगे कंटेंट राइटिंग पोजीशन के लिए, वो सारे एरियाज हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे. नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड एप्लीकेशन फिल्टरिंग. अब देखिए ऑटोमेटेड है, एप्लीकेशन फिल्टर करना 5000 मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है. यस, हमने किया है पहले, बहुत ज्यादा होता था क्योंकि मैनुअली करना पड़ता था, इतने अच्छे फिल्ट्रेशंस नहीं थे, बहुत धीरे धीरे फिल्ट्रेशंस आने शुरू हुए हैं. तो यस, आप क्या कर सकते हो इसमें, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि तब हम क्या करते थे, पहले बेंचेस बना लेते थे, अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते थे और फिर वहां से फिल्टर आउट करते थे. अब यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम है मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. यस, ऑटोमेटिकली मेरे पास फिल्टर होके आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स. जैसे कि चलो एचआर पोजीशन के लिए देख लेते, तो कीवर्ड्स क्या होंगे, एम्प्लॉय रिलेशंस, रिक्रूटमेंट और चलो पेरोल, ठीक है, जर्नलिस्ट. तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. अब देखिए यहाँ पर ना एक कैच जरूर है, अगर आप यहाँ पे फिल्टर में जो वर्ड्स यूज कर रहे हो ना वो ही सही नहीं लगाओगे तो कैंडिडेट सही नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फिर अगेन वही चीजें हो गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी, जॉब एनालिसिस, ये सारी चीजें जो पहले हमने सेशन 1 सेशन 2 में देखी कि अगर मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ठीक नहीं लिखी हुई है तो फिर मैं ट्रैक कैसे करूंगी, मेरे पास वो कीवर्ड्स ही नहीं होंगे प्रॉपर. तो जब मैं कीवर्ड्स प्रॉपर डालूंगी नहीं तो बेचारा एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम अपने आप थोड़ी कुछ भी ट्रैक कर देगा, ठीक है. तो ये है. नेक्स्ट इज फोन स्क्रीनिंग्स. तो क्या कर सकते हैं, हम कंडक्ट कर सकते हैं ब्रीफ फोन इंटरव्यूज. यस, बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे हम असेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और फर्दर ड्वेल कर सकते हैं इनटू क्वालिफिकेशंस. यस, हमें पता चल जाएगा जब हम क्या करेंगे, जब हम कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, यार बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बात ठीक से कर सकता है, कर सकती है, ठीक है. तो फर्दर फिर हम क्वालिफिकेशंस में भी ड्वेल हो सकते हैं. जैसे कि सबसे ज्यादा अच्छा ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला एग्जांपल में कस्टमर सपोर्ट रोल है. तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना होता है कि कैंडिडेट की एबिलिटी कैसी है हैंडल करने की डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशंस. यस, बहुत डिफिकल्ट होती हैं कस्टमर सिचुएशंस. तो आपका वैल्यूएशन कैसा है, आप कैसे बात कर पाते हो, आप अपना कूल कैसे मेंटेन कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्किल्स असेसमेंट. तो स्किल्स असेसमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए स्किल्स को हम यहाँ पे असेस करेंगे, एक्चुअल में देखेंगे कि वो स्किल्स हैं भी जो मुझे चाहिए या नहीं. जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइन पोजीशन है तो रिक्वेस्ट करें पोर्टफोलियो या फिर कंडक्ट करें डिजाइन टास्क, ठीक है. इवैल्यूएट करें कैंडिडेट की एबिलिटी क्रिएट करने के लिए विजुअली अपीलिंग एंड इफेक्टिव डिजाइन, ठीक है, अच्छे डिजाइन अपीलिंग हो इस तरीके के, ठीक है. ऐसे जिस भी पोजीशन के लिए आप स्किल असेसमेंट करेंगे वहां पे आप ध्यान देंगे कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और वो हमें चेक करनी होगी. नेक्स्ट इज बिहेवियरल असेसमेंट, जिसको मैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, बिकॉज काम आप किसी से करवा सकते हो लेकिन अगर बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, विलिंग नहीं है और काम करने वाला पर्सन नहीं है, वो यू नो विलिंगली उसका मूड नहीं है सच में ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होने के लिए, सच में उस प्रोफाइल से अटैच होने के लिए, तो सारी चीजें बेकार है. आप कुछ भी टेक्निकलिटीज चेक करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं. यहाँ पे यूज करें बिहेवियरल क्वेश्चंस, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कैंडिडेट्स की अप्रोच कैसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर और टीम वर्क को लेकर.
जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर रोल है, तो यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर रोल है तो उससे पूछिए कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट उन्होंने कैसे मैनेज किया, या फिर अगर नहीं किया तो वो कैसे करेंगे। कोई भी हाइपोथेटिकल आप दे सकते हो, या फिर कोई सिचुएशन आपके पास पहले हो चुकी हो किसी मैनेजर के साथ वो आप दे सकते हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो अराइज हो सकती है तो वो कैसे उन ऑब्स्टेकल्स से बाहर आएंगे जो ऑब्स्टेकल्स उस प्रोजेक्ट में आए या आ सकते हैं। ठीक है, तो जो उनका अप्रोच होगा वो पता चलेगा। लेकिन इसको करने के लिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपको पहले सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल करना पड़ेगा। अगर आप उसे टफ एनवायरनमेंट में बिठा के रखोगे तो वो पता है एक रटे रटाई से क्वेश्चन आंसर ही देगा। यस, बिहेवियरल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। जब तक आप बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस में सामने वाले पर्सन को एग्जैक्टली वो फील नहीं करवाओगे कि ये सेम सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एंड दिस इज हैपनिंग, व्हाट यू विल डू। अगर आप उसे एक स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आंसर टाइप लोगे, स्कूल स्टूडेंट्स वाला, तो वो फिर रटे रटाए जो क्वेश्चन आंसरिंग करके आया होगा वो वही आंसर देगा, आपको एक्चुअल आंसर कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये मेरी एक प्रैक्टिकल टिप है। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस चेक्स। नाउ रेफरेंस चेक्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट करना है हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट की वर्क हिस्ट्री और उसकी परफॉर्मेंस। आस्क करें क्या क्या अबाउट, जैसे कि टीम वर्क कैसा था, एबिलिटी कैसी है डेडलाइंस को मीट करने की, और अडेप्टेबिलिटी कितनी है। नई चीज कोई भी आई तो आप अडेप्टेबल हो, या फिर आप कह रहे हो यार ठीक तो है काम चल तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू वांट टू चेंज। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि चेंज नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में और अपने काम में, वो पर्सन बहुत समय तक एक ही जगह स्टिक रहेगा, वो कभी भी चेंजेस नहीं करना चाहेगा। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं और मार्केट में जब चेंजेस हो रहे हैं तो आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरल फिट असेसमेंट। ये क्या है, असेस करें कि कैंडिडेट्स कितने अलाइन हो रहे हैं कंपनी कल्चर के साथ। जैसे मैंने बिहेवियरल असेसमेंट्स की बात करी, यही कंपनी कल्चर है। अगेन बिहेवियरल और कंपनी कल्चर में दोनों को बहुत ज़्यादा क्लोज समझती हूँ, कि मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर कैंडिडेट अलाइन नहीं हो रहा है, कैंडिडेट को समझ ही नहीं आ रही आपकी स्ट्रैटेजीज, कैंडिडेट आपके कंपनी कल्चर में कंफर्टेबल नहीं है, तो बस वो कैंडिडेट सर्वाइव करने में उसको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टअप है कोई, तो वो उसका फोकस है इनोवेशन, तो उनका एक्सपीरियंस जानिए अबाउट यू नो इनोवेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे आप इसको डिफरेंट तरह से सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, कैसे आपको कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, कितने फ्लेक्सिबल हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया स्क्रीनिंग। ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ऑल्दो पहले नहीं होता था, आज सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं तो ये स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, यस, वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेट्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके प्रोफेशनल नेटवर्क्स। यहाँ पे आप उनके एंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस भी देख सकते हैं स्किल्स के अकॉर्डिंग, रिलेटेड टू देयर स्किल्स। ठीक है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे चेक हो जाती हैं, बट अगेन आई विल से कि देखिए सोशल मीडिया पे हर चीज रियल नहीं होती, तो ऑब्वियसली जब कोई अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएगा लिंक्डइन पे तो वो तो कहीं से भी रियल नहीं होता। मींस यस अचीवमेंट्स एंड ऑल रियल होते हैं, लेकिन ट्रू पर्सनालिटी अगर आप जानना चाहते हो तो वो वन टू वन आप जब क्वेश्चनिंग करेंगे तब ज्यादा निकल पाएगी। यस, ऑल्दो जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो उनके सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस हैं, वो ऐसे फेक नहीं डालेंगे, तो वो चीज़ें आप वेरीफाई वहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एज अ पर्सन किसी को जानना है तो सोशल मीडिया उतना कह सकते हो कि आप उतना ट्रस्टेबल नहीं है, मैं उतना ट्रस्टेबल नहीं समझती, बिकॉज सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत ही पॉलिश्ड होती है। जो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने आप को, हम उस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज असेसिंग सॉफ्ट स्किल्स। तो यहाँ पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, अडेप्टेबिलिटी है। जैसे कि चलिए एक सेल्स रोल है, तो वहाँ पे असेस करनी है अगर आपको तो क्या किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए सेल्स रोल में। भाई आप रैपो बिल कर पाओ, गुडविल क्रिएट कर पाओ और ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओ। देखिए सेल्स में ना सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है, आप क्रिटिसिज्म को कितने पॉजिटिवली लेकर अपनी बात को आगे रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है सेल्स रोल में, क्योंकि हर कोई आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी निकालेगा और होती भी है। मतलब इट्स नॉर्मल, मतलब जैसे आप एक वॉशिंग पाउडर ही ले लो तो उसमें अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज कर देगा किसी भी पॉइंट पे, तो यू मस्ट नो हाउ टू कन्विंस देम।
और हाउ टू टेक दोज ऑब्जेक्शंस रादर देन टेकिंग इट पर्सनली और इवन प्रोफेशनली भी, क्या बहुत उसको इमोशनली ले रहे हो और सेटबैक्स में जा रहे हो, इससे बेटर है क्या आप कन्विंस कर पाओ सामने वाले को और अपने को भी कूल रख पाओ एक्चुअली, ठीक है? बिकॉज यस, वीकनेस इज अ स्ट्रेंथ, सब पार्ट है प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का. चलिए नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करें कि जो कंसिस्टेंसी है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो सब जगह एक सी हो. सब जगह मतलब रेज्यूमे में, एप्लीकेशन में, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, इंटरव्यूज में, जहां जहां चेक कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी देखिए. कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे तो वो रेज्यूमे में कुछ लिख के भेज रहा है, मैंने देखा जी लिंक्डइन पे कुछ लिखा हुआ है, फिर देखा जी एप्लीकेशन जो सबसे पहले आई थी उसमें कुछ और मेंशन था, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप सब जगह कुछ ना कुछ अलग लिख रहे हो. नॉर्मली क्या होता है, एक जेन्युइन पर्सन है वो क्या करता है, वो एक बार एक प्रोफाइलिंग बना लेता है अपनी और उसको कॉपी पेस्ट सब जगह करता है. यही नॉर्मली होता है सब जगह कि हाँ भाई कवर लेटर एक बना लिया, उसी को ही सब जगह समरी में डाल दिया, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, इसमें डाल दिया, और वो ही मेल में भी आप डाल देते हो. लेकिन अगर सब जगह डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि आप जहां पे जो चीज लिख रहे हो वहां की टाइप की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करने चाह रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ फिशी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है? मतलब अगर यू नो कोई जॉब पोस्टिंग निकली तो उस जॉब पोस्टिंग के हिसाब से आपने अपने प्रोफाइल को बना दिया. हिसाब से का मतलब क्या है? हिसाब से का मतलब है कि जैसे पैकेज निकला किसी उसका कि जी 15 लाख ऑफर कर रहे हैं, तो आपने क्या कहा जी मेरी करंट पैकेज 14 लाख है या 16 लाख है, और वैसे आप बता रहे हो कि जी 10 लाख है, ठीक है? मतलब जो एक्चुअल है आप वो बताओ. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने पैकेज पे लिया, और बहुत सारी चीजों पे ऐसा हो सकता है कि आप चीजों को घुमा फिरा के लिख रहे हो सिर्फ सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए. यहाँ पे सिर्फ इतनी बात है. चलिए नेक्स्ट इज फीडबैक एंड इवैल्यूएशन. या ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक स्ट्रक्चर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जहां पे इंटरव्यूअर्स प्रोवाइड करें फीडबैक हर कैंडिडेट पे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कैंडिडेट की डिस्कस हो जिससे कि डिसीजंस प्रॉपर लिए जा सके, ठीक है? तो फीडबैक एंड इवैल्यूएशन अगेन इंपॉर्टेंट है. बहुत बार हम फीडबैक के बारे में बात कर चुके हैं, तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट देखिए लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस, ये तो जरूरी करिए, फेवरेट वन है मेरा, क्योंकि इंश्योर करें कंप्लायंस विद लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस ड्यूरिंग स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के समय लीगल एंड एथिकल चीजें ध्यान रखनी जरूरी है, जैसे कि अवॉइड करें क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज, जेंडर, रिलीजन और कोई भी प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो जान के आप किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो, पूछ रहे हो ना. सी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखो एज तो वहीं पे लिखी है, उसके बारे में क्वेश्चन करना कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप उसे स्ट्रेच करे जा रहे हो, आप मैरिटल स्टेटस को स्ट्रेच करे जा रहे हो. जैसे कि किसी से आप पूछ रहे हो आप अभी तक सिंगल क्यों हो, या फिर आप डिवोर्स्ड क्यों हो गए. अरे यार दैट्स देयर ओन मैटर, पर्सनल मैटर, मे बी पॉसिबल दे विल बी कंफर्टेबल इन फ्यूचर के वो शेयर करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल जाता है कि भाई चलो ये तो बाद में भी शेयर करेगा, अभी पूछ लें, ठीक है? तो वो उनका अपना व्यू है कि वो कब आपसे शेयर करते हैं कब नहीं, लेकिन डोंट गो डीप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यू नो उनकी क्या एज है, वो डिवोर्स्ड है नहीं है. अगर आपका ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जिसमें ये सच में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो पूछना, मीन्स आपकी कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं हो जिसमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछने, ठीक है? हाँ ऑल्दो ये आप जरूर पूछ सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज अगर आपका कुछ वर्क इस तरीके का है कि आप प्रोजेक्ट बीच में ब्रेक नहीं कर सकते तो आप पूछ सकते हैं कि आप मूव ऑन करोगे तो नहीं करोगे. अगर वो बताते हैं कि आप इंगेज्ड हैं, जैसे फीमेल हैं, इंगेज्ड हैं, किसी और सिटी में जाने वाली हैं, किसी और स्टेट में ट्रांसफर होने वाले हैं, तो यस ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप पूछ सकते हो कि भाई आप छोड़ दोगे, आप जाओगे, तो अब 2 मंथ्स में प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, आप 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है सॉरी, और आप 2 मंथ्स में ही आपकी मैरिज होने वाली है, आप जाने वाले, तो ये आप इस तरह से चीजें पूछ सकते हो. देन अ पॉलिश्ड वे, पॉलिश्ड वे का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट पूछ रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन अगर आप बिना बात के पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाते हो कि आप इधर जाओ, आप उन्हें एडवाइस करने लग जाते हो, आप यहीं शिफ्ट कर लो, आप ऐसे ही कर लो, आप वैसे ही कर लो, दिस इज नॉट राइट, ठीक है? एंड दिस इज नॉट एथिकल यार, कि आप उनके मैरिज काउंसलर बनके उन्हें सजेस्ट करने लग जाओ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? वो उनका अपना ओपिनियन है. नेक्स्ट यस ये जरूर है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आपको ये जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि जिस टाइम के लिए आप हायर कर रहे हो उन्हें, उस टाइम में अगर वो बीच में लेफ्ट आउट हो रहे हैं तो यस ये आपका कंसर्न है, ठीक है? नेक्स्ट इज टाइमली कम्युनिकेशन. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करें टाइमली उनके स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के बारे में. अगेन लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं और कहते हैं मैम मैंने इस कंपनी में
एप्लीकेशन लगाई थी, इंटरव्यू दिया था, मुझे स्टेटस नहीं पता, ठीक है, तो टाइमली कम्युनिकेशन जरूरी है, रिजेक्शन है तो भी बताएं, इससे पता चलता है प्रोफेशनलिज्म। आप एक नॉर्मल यू नो ईमेल ड्राफ्ट करके रख सकते हैं जहां पर रिजेक्शन के केस में आप ये कह सकते हैं कि भाई हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट, जैसे कि उन्हें एटलीस्ट पता चल जाए। अगर आप बहुत ज्यादा रीजंस बताना नहीं चाहते, और वो रीजंस इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो नेगेटिव हैं ज्यादा, और फिर यू नो सामने वाले कैंडिडेट्स ले नहीं पाएंगे उसे उतना पॉजिटिवली, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा स्किल में डिफरेंसेस हैं तो हर कैंडिडेट उतनी पॉजिटिवली नहीं ले पाता, उसे लगता है नहीं यार सब कुछ मेरे में परफेक्ट है। तो अगर आप उसे जर्नलाइज रखना चाहते हैं तो जर्नलाइज मेल भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को भेज सकते हैं कि हम अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सर्च, और जैसे कि उन्हें एटलीस्ट ये पता चल जाए कि चलो इस कंपनी से अब मेरा लिंक नहीं है, मतलब मेरे को वेट नहीं करना है, ठीक है, तो इतना भी आई थिंक अच्छा है। और अगर आप कैंडिडेट हैं और देख रहे हैं और आपके पास ऐसी मेल आती है तो डोंट यू नो फील डिजेक्टेड और डोंट फील कि अरे यार मुझे एक ने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, हर कंपनी डिफरेंट होती है, तो बस इसलिए पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग खत्म हो जाता है, और अगर मैं इसको समराइज करूँ तो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो हम टेलर करना चाहिए, हमें टेलर का मतलब हमें स्पेशली बनानी चाहिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब के हिसाब से, मतलब मुझे किस पोजीशन के लिए कैसे स्क्रीनिंग करनी है ये डिफरेंट डिफरेंट होगी हर प्रोफाइल के लिए। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया, मुझे हर प्रोफाइल के लिए नोट करना होगा कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, और अगर मैं कई मेथड्स कंबाइन करती हूँ जैसे कि स्किल्स असेसमेंट हो गए, बिहेवियरल इंटरव्यूज हो गए, रेफरेंस चेक्स हो गए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से, बहुत थॉरली, और हम इन्फॉर्म्ड हायरिंग डिसीजंस ले सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। सो दिस वाज अ स्क्रीनिंग, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, और हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन 5 स्टार्ट होने वाला है, इंटरव्यूइंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, ये पार्ट 1 आएगा जिसमें हम डिटेल में इंटरव्यूइंग डिस्कस करेंगे। प्लीज जरूर आइएगा नेक्स्ट सेशन में, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम इंटरव्यूइंग में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आगे पूरा इंटरव्यूइंग चलेगा जिसमें मोड्स ऑफ इंटरव्यू, राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, जो आपकी बार बार क्वेरीज आती रहती है इंटरव्यू से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे सॉल्व होंगी, ठीक है। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, और अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।